दोस्तों आप देख सकते हैं सामने कितना रश है, और देखो दोस्तों ये यहाँ पर बीड़ियां लगी हुई हैं ताकि हम इनके अंदर ना जा सके, इनके अंदर जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर फुलवाड़ी यानी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, देखिए यहाँ पर भी इसके चारों तरफ एकदम सुंदर पेड़ पौधे। और दोस्तों देखिए जो ये आपको दीवार दिख रही है इस फोन में आपको दिख रही है नॉर्मल एकदम, इसकी हाइट तो काफी ऊंची है, ऊपर लिखा हुआ इंडिया और चमक रहा हो इसमें, लेकिन जो यहाँ सिक्योरिटी वाले अंकल खड़े हैं वो अंदर जाने दे रहे हैं, लेकिन इनकी दीवार पर लिखे हैं दोस्तों नाम, शायद मैं थोड़ा दिखा सकूं जूम करके, शायद ये हल्के हल्के दिख रहे हैं आपको जूम कर, ये देखिए तो चमक गए हैं राम, यानी हमको भी साफ साफ नहीं चमक रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो नाम है, ये जो शहीद हुए हैं या जिनका समर्थन है वो इन दीवार पर खुदरे गए हैं, और एक भी यहाँ पर कोई खरोच या कोई खराब पत्थर नहीं रहे, सब के सब जैसे हैं वैसे ही हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी मरम्मत होती रहती है। दोस्तों ये देखिए इंडिया गेट काफी बड़ा है और इस पूरे गेट पर लिखे हुए हैं नाम, वैसे तो कैमरे में इतने अच्छे दिख नहीं है, लेकिन जब आप लोग आएंगे आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ एकदम नाम के नाम चमकेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आ रखे हैं, कुछ फॉरेन के लोग आ रखे हैं, कुछ साइड के कुछ लोग आ रखे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर उस साइड में एक झरना भी इसके यहाँ पर, तो वहां पर वाटरफॉल दोस्तों एक वहां पर है, और गाइस एक वहां पर जो इसकी खूबसूरती में चार चांद वाला आता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सामने से दिखा देते हैं आपको। और देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी फोटोग्राफी चल रही है लोग बागों की, ये अंटे का पोल, ये दीदी फोटो खींचती है यहाँ पे, और यहाँ से दिखाता हूँ मेन फ्रंट व्यू, तो सामने मेन दिख रहा वो है सुभाष चंद्र बोस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, और ये यहाँ से व्यू दिखता हुआ देखिए दोस्तों इंडिया गेट का व्यू, काफी सुहाना व्यू दोस्तों यहाँ का।